Every Muslim should be a terrorist. We welcome you to the fold of the religion of peace. निश्चित रूप से देश के जो शांति व्यवस्था है, देश के अंदर जिस प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको बिगाड़ने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो जाकिर नायक हो या दूसरा कोई हो सकता है, उसके लिए अगर इस तरह की गतिविधियां कोई की है जो निश्चित रूप से देशद्रोह की श्रेणी में आती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इस तरह के कुछ जो सांप्रदायिक लोग हैं इस तरह के, वो कुल मिलाकर इनकी कोई जाति या धर्म नहीं है, ये आतंकवादी है और आतंकवादियों का संरक्षित लोग हैं, उन्हीं के इशारों पर ये पलते फूलते हैं, उन्हीं के इशारों पर ये काम करते हैं। इन लोगों के बारे में कोई जवाब देना मुझे लगता नहीं कि देश के किसी नागरिकों को इनकी कोई परवाह करनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। जो देश हित की बात नहीं करे, जो देश के गद्दार हो, उन देश के गद्दारों का स्थान कहीं पर कोई स्थान नहीं। सुनील प्रजापत जी और खालिद कुरैशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी नमस्कार। अश्विनी जी नमस्कार। जी अश्विनी जी, मैं एक मिनट की बात कहना चाहता हूँ। मेरा भारत देश जो देश में ऐसा वर्ल्ड में देश है जिसमें सारे धर्मों के लोग भाईचारे से रहते हैं, लेकिन जाकिर जैसे लोग जो धर्म को आपस में लड़ाकर ऐसे ब्रह्म जाल में लोगों को फंसा रहे हैं, और देश की ऐसी पार्टियां जो अपने जैसे बीजेपी हुई, क्या तो फिर केंद्र सरकार को प्रयास करने चाहिए कि उनको भारत लाया जाए। हाँ बिल्कुल लाना चाहिए। धन्यवाद आपका। खालिद साहब नमस्कार। हाँ सर नमस्कार, बताइए। जाकिर जी के किसी भी भाषण में या किसी भी उसमें बयान में मैंने आज तक नहीं सुना कि उन्होंने कोई देश के खिलाफ कोई बयान दिया हो या कोई खिलाफत की हो देश की। खालिद साहब, क्या लगता है उनको देश में आकर इस बात को स्पष्ट करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए? फिर बिल्कुल रखना चाहिए, किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। वो साफ सुथरे इंसान है, मैं कई बार सुना है उनको। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ लोग बरेली देवबंदी की देश खड़ी करना चाहते हैं, तो उनको वो अच्छे काम कर रहे हैं देश के लिए भी और समाज के लिए भी, तो उनसे जो लोग जरूरत रखते हैं वो उनके साजिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एक बात आती है, जाकिर नाइक अपने पैगाम में गुमराह करते हैं, खासतौर पर युवाओं को, या फिर धर्म परिवर्तन की बात वो करते हैं, क्या इस बात को लेकर जांच का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए? शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस पूरे मसले को लेकर। ये इल्ज़ाम है और इसको लेकर जांच की बात जो की जा रही है वो शुरुआती दौर में है। जाकिर नाइक का इंटरव्यू आता है, जाकिर नाइक अपने सोशल मीडिया के जरिए पैगाम रखते हैं, लेकिन कहीं भी इस बात को क्लियर करने की कोशिश नहीं की जाती, देश के बीच एक उन्माद का मुद्दा बनता जा रहा है। देखिए, सरकार ने दो तीन तरह की जांच अपने स्तर पे चालू की है। एटीएस भी जांच कर रहा है, पुलिस भी जांच कर रही है, और गृह मंत्रालय भी अलग से अपनी खुफिया जांच कर रहा है, और बम्बई की पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने भी वो दो सीडी जो है मुख्यमंत्री जी ने उनको सौंपी है पुलिस को, और वो उसकी भी जांच कर रहे हैं। तो ये क्या है कि जो सारी जांच होने के बाद में इतना बड़ा जो मामला है, जैसे अभी एक बात आई थी कि एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई उनके खिलाफ में, अपन ये जानते हैं कि कोई भी एफआईआर कहीं भी पुलिस में जाता है तो प्रिलिमिनरी पहले जांच करते हैं, प्री बोलते हैं उसको, प्री इंक्वायरी होती है, पीआई होती है, वो होने के बाद ही इसके ऊपर इतना बड़ा, जब इतना बड़ा मामला है तो उसके अंदर तो निश्चित रूप से पहले ये सारी जांच होगी, और जांच होने के बाद में यदि वो व्यक्ति दोषी होगा तो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, और सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, किसी भी सूरत में सुरक्षा से और आतंकवाद से किसी तरह का समझौता नहीं करेगी, और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेगी, और साथ में जहां से भी उनको लड़ना होगा वो लड़ने की कार्रवाई करेगी। एक सवाल और है कि धर्म विशेष का होने के कारण उनको टारगेट किया जा रहा है, वरना जो दर्शकों की राय भी आपने सुनी, सुनील जी ने जो कहा कि आपको मौका पूरा देना चाहिए, वो तथ्य सामने आने चाहिए जहां पर लगे कि ऐसा हुआ। डॉक्टर इकबाल से भी शुरुआत में हम मुखातिब हुए, तो उनका भी कहना था कि एक किसी दहशतगर्द ने कहा कि वो जाकिर नाइक के पैगाम से प्रेरित है, तो उससे क्या पूरा उन पर जो है तस्वीर साफ हो जाती है? देखिए, आप एक बात बता दूं मैं आपको, क्या हिंदू धार्मिक नेता नहीं पकड़े जा रहे हैं? हरियाणा के अंदर जो एक बलात्कार करते हुए जो धार्मिक नेता, उसकी सीडी आई और सामने आई, तो क्या उसके खिलाफ जांच नहीं हुई? वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके बावजूद उन्होंने कड़ी से कड़ी जांच करी और आज तक वो व्यक्ति जेल में है। तो इसलिए मैं इस बात को धर्म से जोड़ना नहीं चाहता हूँ। आपने कहा, जब मैंने ये बात कही है कि इसके अलावा क्या अपने आशाराम बापू किस कांड में जेल में है, तो इस तरह के जो मामले आते हैं उसके अंदर सरकार निष्पक्षता से काम करती है, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये सरकार करती है, ये सरकार नहीं करती है, और इसलिए इनके साथ भी इसी तरह का बर्ताव होगा। ये कोई धार्मिक रूप से देख करके नहीं, इसके अंदर दो चीजें जुड़ी हुई है। एक तो क्या है कि पैसा दे करके धर्म परिवर्तन कराना, पहली बात, और दूसरी बात ये है कि फंड लेकर के और फिर ये जो आपके टेररिज्म के लिए उकसाना या ये करना, ये दो बातें मुख्य रूप से हमारे सुरक्षा को खतरा है जांच के लिए। इसी पहलू पर लौटता हूं। शौकत अली साहब डीडवाना से हैं और जाकिर अली साहब बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। शौकत साहब नमस्कार। नमस्कार जी।
बताइए क्या कहना चाहेंगे जी के ये जाकिर नायक है वो अपने हमारे इस्लाम के लिए अपना अच्छा काम कर रहे हैं, वो देश के लिए मेरी बात सुनो, देश के इसके लिए बोलता है और देश के लिए बुराई नहीं करता है। दूसरी बात है जो बीजेपी सरकार आई है जब से एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, आज की बात है मंसूर के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, दो औरतें हिंदू जैसे दो औरतें मुसलमान की थी उनको मारने के लिए हिंदू संगठन उनके घरों में घुस रोड के ऊपर मारने स्टार्ट कर दिया। ये दीवार क्यों खड़ी हो रही है? जाकिर साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ साहब, मेरी रिक्वेस्ट, आप मेरी बात पूरी सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जाति और उसको धर्म को छोड़िए भाई, किसी भी जाति को टारगेट करना और उसको टॉर्चर करना या किसी भी धर्म परिवर्तन वगैरह कुछ भी हो और उस इश्यू बना हासिल भाई उसकी कानूनी कार्रवाई की जाए ना। ये पार्टी लोग जो भी बैठे हैं ये उसको टारगेट बनाते हैं, किसी चीज को हवा बना देते हैं और 10-15 दिन के बाद वही बात ठंडी हो जाती है, उसको क्या होता है उसके वो मिट्टी डाल देते हैं, कुछ नहीं। अभी जाकिर नायक का प्रोग्राम आया था किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का टारगेट हो, चाहे वो पंजाब के अंदर हो, अभी जो हुआ था कांड उसके ऊपर ले लो, किसी पे ले लो, यह सिर्फ तिल का तार बनाना जानते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई। तिल का तार क्या बनाया जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर इकबाल, इस पूरे मसले को तिल का तार बनाकर पेश किया जा रहा है, क्या ऐसी भी सूरत हो सकती है? देखिए, तिल का तार ही बनाया जा रहा है, जाकिर नायक के खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं है कि उसको अपराधी कह दिया जाए और उसको अपराध साबित होने से पहले अपराधी कहा जा रहा है, उसको आतंकवादियों का समर्थक कहा जा रहा है, उसको आतंकवादी तक कहा जा रहा है। तो ये इस प्रकार से आरोप लगाना ये मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। एक व्यक्ति जिसने कभी भी कोई हेट्रेड की बात नहीं की, कभी कोई नफरत की बात नहीं की, जो हमेशा प्रेम की बात करता है, उस व्यक्ति के खिलाफ इतना उसको टारगेट बनाना और उसको ऐसा कर देना, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हमारे देश में ही और 70 करोड़ पार्टी के नेताओं में ही बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी स्पीचेस दी हैं कि उनके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिन्होंने सरेआम ये कहा है दूसरे समुदाय के लिए कि उनकी बेटियों को उठा लेना चाहिए, जिन्होंने सरेआम ये कहा है कि इनके साथ बलात्कार किया जाना चाहिए, जिन्होंने सरेआम ये कहा है कि अगर एक बेटी हमारे समुदाय की किसी दूसरे समुदाय के साथ चली जाएगी तो उनके 100 बेटियों को हम उठा लेंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। सुरेश उपाध्याय साहब, ये एक बड़ा सवाल है, एक तरफ गुमराह करने का आरोप है और दूसरी तरफ तस्वीर भी हमारे सामने है, इंतजार नहीं किया जा सकता, तथ्य नहीं है सामने और फिर ऐसी बातें अगर सामने आती है तो क्या लगता है कि कहीं देश में जो एकता का माहौल है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही? जाकिर नाइक के बारे में ये कहना है कि वो इनोसेंट है, सिर्फ मुस्लिम धर्म का प्रचारक है, ये ठीक नहीं है। मैंने उसकी तकरीर सुनी है, पहली बात तो मैं जाकिर हुसैन को धन्यवाद देना चाहूँगा, जाकिर नाइक साहब को, कि उनके इस विवाद के कारण से मुझे भी कुछ पढ़ने का मौका मिला। ये तकरीर जब करते हैं तो मुस्लिम धर्म में ईश निंदा बहुत घोर अपराध माना जाता है, चाहे किसी भी देश में, भारत, पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, टर्की हो, कहीं भी हो, ईश निंदा करने पर व्यक्ति को सीधा मौत की सजा दी जाती है। उस धर्म को मानने वाला व्यक्ति, इसकी जितनी भी तकरीर है उन तकरीरों में हिंदू धर्म के व्याख्याओं को मिस इंटरप्रिटेशन करके व्यंग्यात्मक ढंग से बात करके अपनी बातें सिद्ध करता है, एक भी बात इसकी तर्क के आधार पर नहीं होती। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा, सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं जाती, एक तकरीरों में मुस्लिम धर्म की बात कहने दीजिए, जैसे कुतर्क करते हुए ये यजुर्वेद का 32.3 का उदाहरण देते हुए अपनी तकरीर में कहता है ना तस्या प्रतिमा अस्ति, वो कहता है कि जाकिर कहता है कि इसमें कोई भी ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, मुसलमान में भी ये नहीं माना जाता, इसलिए मुसलमान धर्म सबसे श्रेष्ठ है। मेरा ये कहना है कि संस्कृत की व्याख्या वो गलत करता है, इसका ये सही व्याख्या है कि चराचर में उस ईश्वर के समान कोई नहीं है, वो प्रतिमा का अर्थ निकाल रहा है मूर्ति, प्रतिमा होती है उसके बराबर तुलना करना, वो संस्कृत का शब्द ठीक से नहीं समझता। इसी प्रकार कहता है कि हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवता हैं, उसमें 36 कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, कोटि का मतलब प्रकार भी होता है, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी कोटि को 36 करोड़ देवता मानते हैं, वास्तविक है कि 36 देवताओं को हिंदू धर्म में मान्यता मिली हुई है, इसमें अग्नि, वायु, आकाश, जल, इस तरह के सब देवताओं का पूजन करके और ईश्वर चराचर सब में एक है, ये हिंदू धर्म की व्याख्या है, उसको मिस इंटरप्रिटेशन करके अपने लोगों को ये बरगलाता है। उसके जितने भी फॉलोवर्स हैं वो सब या तो पढ़े लिखे नहीं है या बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं है। हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स की भी बात मैं करूँगा। राजेंद्र जैन साहब हैं अजमेर से, नमस्कार सर। नमस्कार साहब आप सबको। जी मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में सर्वधर्म सद्भावना का संगम क्षेत्र है, यहाँ कट्टरपंथी बिल्कुल नहीं चलेगी, देश के विकास को और गरीब को ध्यान रखना चाहिए। नायक साहब नायक ने बने,
नाइक नायक की तस्वीर से उलट होकर अब क्यों ऐसा नजर आने लगे हैं? गुमराह वाली बात कितनी सच है सुनील जी? नहीं, बात एक है कि अभी सुरेश उपाध्याय साहब बात कर रहे थे, तो अगर कहीं भी अगर 153 का अगर उल्लंघन होता 153A का, तो वहां उसका मुकदमा तो मैं मानता हूं जाकिर नायक साहब पे बन सकता है, क्योंकि अगर अगर हम बिल्कुल बिल्कुल तथ्यों की बात करें, क्योंकि अगर आप देखिए धार्मिक मत मतांतर हर धर्म के अलग अलग हैं, और जब आप किसी भी मत की बात करते हैं तो हर मत के अंदर बहुत सारी कमियां भी हो सकती हैं, सब में अच्छाइयां भी होती हैं, और आप किसी भी रिलीजन को अगर आप जब आप उस रिलीजन के खिलाफ आप बोलते हैं तो वह 153A का मामला तो जाकिर नाइक के ऊपर बन सकता है, क्योंकि मैंने भी इनके सारे वीडियोज देखे हैं। तो यहां तक तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 153A का मुकदमा तो उनपे निसंदेह बन सकता है, क्योंकि एक में वो शंकर और गणेश के मामले में गणेश की मजाक बना रहे हैं, शंकर की मजाक बना रहे हैं। तो देखिए ये बात एक है, अगर मजाक बनानी हो तो आप भी बता सकते हैं कि भाई जब जब मोर बोल सकते हैं, सांप गवाही दे सकते हैं, गवाही देते हैं, घोड़े उड़ते हैं, तो ये बात अगर आप करेंगे तो एक एंडलेस चीज है, वो एक एंडलेस चीज है। पर यहाँ प्रश्न अभी 153A का नहीं है, यहाँ प्रश्न है कि क्या जाकिर नायक राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, पहला प्रश्न ये है। क्या जाकिर नायक टेररिज्म को इंड्यूस कर रहे हैं, दूसरा प्रश्न है। तो यहाँ अभी अभी मेरी राय में 153A उतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि 153A की बात करेंगे तो मेरी राय में उस दायरे के अंदर सारे जितने भी आपके रिलीजियस आपके जो स्प्रिचर्स हों सभी आ जाएंगे, चाहे उसमें क्रिश्चियंस हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हो, क्योंकि हर आदमी सबके, क्योंकि मैं मानता हूँ, क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा एथिस्ट हूँ इस मामले में, कि सभी की दुकानदारियाँ हैं, चाहे वो उनकी दुकानदारी इनको इनके माल को खराब बताती है, इनकी दुकानदारी उनके माल को खराब बताती है, जो दूसरे को माल को खराब बताती है वो सब दुकानदारियाँ होती है। तो मैं मानता हूँ दे ऑल आर शॉप्स। अब प्रश्न एक है कि क्या जाकिर नाइक के जो मामले हैं उनमें वो राष्ट्रीय विरोध की कोई बात है या टेररिज्म की बात है? तो इसके ऊपर मैं क्या इतनी सी बात कहना चाहता हूं, और जो जिसको बहुत जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया ट्रायल मीडियम नहीं बनना चाहिए, उसके लिए तथ्य मीडियम बनने चाहिए। आपको तथ्यों को आप ढूंढिए आप कि क्या वास्तव में ऐसा, जाकिर नाइक ने भी ऐसा कहा कि उनके साथ मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, तो मैं यही कह रहा हूं। लेकिन इस बीच में यह मुद्दा कौन लेकर आया कि राष्ट्र सुरक्षा यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, यह मुद्दा कौन लेकर आया कि दहशतगर्दी को यहां से हवा मिलने लगी है, और यह मुद्दा कौन लेकर आया कि धर्म परिवर्तन के जरिए दहशतगर्दी की राह पर जाया जा रहा है, वो भी बाहर के पैसे से? देख लेंगे, तुरंत लौटते हैं चर्चा। जहां तक जाकिर नायक का सवाल है, हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी एवं जांच एजेंसियों को तुरंत जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जाकिर नायक विश्व के किसी भी कोने में हो, चाहे सऊदी अरबिया, जद्दा, मक्का से अपना बयान दे रहा हो, उसे तुरंत गिरफ्तार करके सबसे पहले हिंदुस्तान लाना चाहिए, और हिंदुस्तान लाकर उसे सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, वो कड़ी से कड़ी उसे पूछताछ करनी चाहिए। अब जाकिर नायक अपराधी है या उसने कोई अपराध किया है, तो ये हमारी न्यायपालिका या जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। एवरी मुस्लिम शुड बी अ टेररिस्ट। वी वेलकम यू टू द फोल्ड ऑफ द रिलीजन ऑफ पीस।